प्रयागराज आ रहा अतीक, अब होगा बड़ा खेल, खुलेगा उमेश पाल हत्याकांड का राज। गैंगस्टर अतीक अहमद बोलेगा, उमेश पाल हत्याकांड का राज खोलेगा, क्योंकि यूपी पुलिस गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात जेल से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी में है। यहां तक कि यूपी पुलिस रविवार को अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंच गई है, जिसके बाद अतीक अहमद को यूपी लाने की तैयारी साबरमती जेल में शुरू हो गई है। अतीक अहमद को आज ही यूपी के लिए रवाना होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जेल में पुलिस के प्रोडक्शन वारंट देने के बाद अभी कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होगी, वैसे ही अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस वहां से प्रयागराज के लिए निकल जाएगी। पुलिस अतीक अहमद को सड़क मार्ग से ही लेकर अहमदाबाद से रवाना होगी, जिससे कहीं न कहीं अतीक अहमद डरा और सहमा हुआ भी है। उसे लग रहा है कि कहीं उसका रोड एक्सीडेंट या एनकाउंटर ना हो जाए। पहले भी वो कई बार जान का खतरा बताते हुए यूपी न जाने की गुहार लगा चुका है। बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद को जून 2019 में अहमदाबाद के साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए ही प्रयागराज पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर पहुंची है। बता दें कि पुलिस आज सुबह 11:30 बजे के करीब साबरमती जेल पहुंची और फिर वहां प्रयागराज कोर्ट का वारंट जमा किया। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर साजिश रचने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ साबरमती जेल से अतीक को लेकर 3 बजे प्रयागराज रवाना हो सकती है। याद हो, कुछ दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और वो काम निरंतर जारी है। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देना है, इसी हाल हो रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बता दें कि 24 फरवरी की शाम प्रयागराज में फिल्मी स्टाइल में उमेश पाल की हत्या हो गई थी। दिन दहाड़े बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और बम फेंका। इस घटना से पूरे यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था, जिसके बाद से यूपी पुलिस लगातार उमेश पाल के हत्यारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। कुछ के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ अपराधी अभी भी फरार चल रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों में शामिल गैंग का मोस्ट वांटेड अतीक का बेटा असद और उसके शार्प शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इन लोगों ने ही उमेश पाल को कार का गेट खोलकर उतारते ही गोलियां और बम से मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। वही इस मसले पर यूपी के डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो फ्लीट है वो मॉडर्न फ्लीट है और हमारी गाड़ियां नहीं पलटती हैं। जो पलटता है वो अपराधी पलटता है। गाड़ी पलटने के चर्चा के बीच इस सपा प्रमुख अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी पलट जाएगी, तभी उनके मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। कौन मंत्री दे रहा है पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। तमाम वाक्य के बीच सबकी निगाहें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कब तक अतीक अहमद यूपी के प्रयागराज पहुंचेगा और उमेश पाल हत्याकांड में कितनी परतें खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।